झाबुआ जिले के झकनावदा स्थित शासकीय उत्कृष्ट बालक प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को सुबह से पुलिस चौकी झकनावदा के प्रधान आरक्षक उमेश पुरोहित ने स्कूल प्रांगण में पहुंचकर यातायात सप्ताह की बच्चों को जानकारियां दी और साथ ही चूने से रोड बनाकर बच्चों को दाएं बाएं चलने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि आप बड़े होकर भविष्य में भी यदि यातायात के बताए नियमों पर चलोगे तो हमेशा दुर्घटना से बच सकोगे। साथ ही अपने घर परिवार में जो भी टू व्हीलर चलाता है उसको भी हेलमेट पहनकर चलने की सलाह दें। साइकिल दिवस मनाया गया। शासकीय उत्कृष्ट बालक प्राथमिक विद्यालय में दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूली छात्रों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। झकनावदा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अनुपालन करके सारे संकट दूर भगाए, नियमों का अनुपालन करके सारे संकट दूर भगाए। सीट बेल्ट को पहले लगाओ, फिर वाहन को आप चलाओ, रहे सुरक्षित जीवन जिसमें उतनी ही रफ्तार बढ़ाओ। मोबाइल पर बात करे जब तब वाहन को नहीं चलाए, नियमों का अनुपालन करके सारे संकट दूर भगाए। आपका नाम? सूर्य प्रताप सिंह। आप यहाँ क्यों आए हो? जी हमारे गांव में मध्य प्रदेश शासन द्वारा साइकिल दिवस फिट इंडिया का आयोजन रखा गया है, इसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया। पंचायत द्वारा ये साइकिल दिवस फिट इंडिया का आयोजन रखा गया है, इसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। और इससे हमारा यही मकसद है कि लोगों को इस साइकिल चलाने पर जागरूक किया जाए, इससे सभी का शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकि पेट्रोल की भी बचत हो और वायु प्रदूषण भी ना हो, इसके लिए यहाँ पर हम बुलाए। हम बच्चे हैं, हम यह कहना बताना चाहते हैं कि हम साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि साइकिल से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पेट्रोल की भी बचत होती है और इससे हमारा खर्चा भी कम होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।